देख रहे हैं खबर दिनभर, मैं हूं शेख जी। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी एक अन्य आदेश के अनुसार पेंशन पाने वाले कर्मचारी और उसके बाद पारिवारिक पेंशन पाने वालों को अब 70 साल से अधिक आयु पर 5%, 75 साल से अधिक आयु पर 10% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता 80 साल की आयु तक दिया जाएगा और इस पर अंतरिम राहत का लाभ नहीं दिया जाएगा। राजस्थान में बड़े मंदिरों के प्रसाद की जांच की जाएगी। भजनलाल सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच 23 से 26 सितंबर तक की जाएगी। 14 मंदिर के पास प्रसाद की गुणवत्ता का सर्टिफिकेट है। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर, खट्टू श्याम मंदिर, नथद्वार में श्रीनाथ जी मंदिर समेत 14 मंदिर के पास गुणवत्ता सर्टिफिकेट है। राजस्थान में शुक्रवार से मौसम साफ होने लगा है, साथ ही प्रदेश में अब बारिश का दौर भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने 23 सितंबर के बाद एक बार बारिश का सिलसिला शुरू होने की बात कही है। इसके अलावा सर्दी को लेकर भी अपडेट दिया गया है। IMD ने संभावना जताई है कि इस बार सर्दी जल्द दस्तक दे सकती है। राजस्थान में कोटा जिले में स्थित एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को 12वीं कक्षा की छात्र के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी शिक्षक न केवल कई बार पीड़िता का हाथ पकड़ा बल्कि वो उस पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था। परेशान छात्र ने इस बात की शिकायत अपने प्रिंसिपल से भी की, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जिसके बाद उसने अपने माता पिता को इस बारे में बताया, तब जाकर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने गुरुवार को आरोपी शिक्षक वेद प्रकाश बेरवा को गिरफ्तार करते हुए शुक्रवार को उसे पॉक्सो कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दो, आरोपी शिक्षक जुलमी गांव में स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत था। राजस्थान के उदयपुर में पिछले 2 दिनों में एक महिला, एक पुरुष और एक बच्ची को मार डालने वाला आदमखोर तेंदुआ अभी भी वन विभाग की पकड़ से बाहर है। इसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इस कारण लोगों ने अकेले घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है। हालत बेकाबू होते देख प्रशासन ने पैंथर को पकड़ने के लिए सेना की मदद ली है, जो वन विभाग के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में शुक्रवार शाम जैसे ही लीजेंड्स लीग क्रिकेट के पहले मैच की शुरुआत हुई, तभी दक्षिण नगर निगम के चीफ फायर ऑफिसर की टीम 95,000 रुपए का नोटिस लेकर आयोजकों के पास पहुंची। इस नोटिस में लिखा था कि आयोजकों ने स्टेडियम में होने वाले LLC मैच से पहले फायर NOC के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसके लिए निगम कोष में डिमांड राशि जमा नहीं कराई गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली प्रवासियों की है और इस आधार पर आरक्षण का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि जाति प्रमाण पत्र दूसरे राज्य से जारी किया गया है। कोर्ट ने यह टिप्पणी दिल्ली DSSB की याचिका पर सुनवाई करते हुए कि इस मुद्दे पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई। दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ी के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई 1 अक्टूबर के लिए टाल दी गई है। बता दूं, कल ही इस मामले में आरोपी स्वाति मालीवाल की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हरियाणा के रेवाड़ी में पंजाब के CM भगवंत मान ने पार्टी उम्मीदवार सतीश यादव के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान वो बोले, हरियाणा गुरुओं और वीरों की धरती है, उन्होंने हमें गरीबों के लिए लड़ना सिखाया। PM मोदी ने 4.5 साल तक राज को लूटा और फिर 100 रुपए का शगुन दिया, इनके जुमलों में मत आना। जम्मू में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हमें 7 गारंटियों की घोषणा की है। इसमें हमारा पहला मुद्दा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने का है। हर परिवार का 25 लाख का बीमा देंगे। हर जिले में अस्पताल परिवार की मुख्य महिला को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। स्वयं सहायता समूह को बिना ब्याज के लोन देंगे। कश्मीर पंडितों के पुनर्वास की व्यवस्था लागू करेंगे। पिछड़े वर्ग को पूरा हक मिलेगा। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आप सब फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।